जेथो कदीरा भी लंग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़िया जार तोड़ ला मैं पानी विचो सा निचोड़ ला जेथो कदीरा भी लंग जावे ओ जेरा भी विच पानी किसे नु सुनानी कोई ने अखा च दरिया खोल के मैं जखमा दी थानु रोलना जे थो कदी रावी लंग जावे ओ दुनिया के सफर से दिलचस्पी रखने वाले तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूरोप के एक ऐसे मुल्क से मुतल्लिक दिलचस्प अजीबो गरीब और नाकाबले यकीन मालूमात जो आज से पहले आपने न सुनी होंगी ना ही आप जानते हैं। बरे आज़म यूरोप के मरकज़ में एक सरसब्ज खूबसूरत मुल्क पोलैंड। मशहूर ब्लॉगर ईवा सोबिक का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। दुनिया भर के यहूदी ज़िंदगी में एक बार पोलैंड ज़रूर आते हैं, ऐसा क्यों है? वारसा और प्रकोप रियोशलम के बाद उनकी दूसरी मंजिल है। क्या आपके इल्म में है कि पोलैंड में एक चर्च है जो 21,000 इंसानी हड्डियों से तैयार की गई है? कैपलिका सीजिक, जिसे बैथोलोमियो चर्च भी कहा जाता है, जिसकी छतों और दीवारों को 3,000 से ज्यादा लोगों की खोपड़ियों और हड्डियों से सजाया गया और 21,000 ढांचे 16 फुट नीचे चर्च के तहखाने में भरे हुए हैं। ये वो ढांचे हैं जो 7 साल जंग के दौरान मरने वाले लोगों की इज्तमाही कब्रों से बरामद हुए। ये ढांचे मुकामी कब्र खोदने वाले चेक पादरी वैक्लो टोमसेक और जे लैंगर ने जमा किए। इस जोड़े ने 1776 से 1794 तक तकरीबन 18 साल में हजारों ढांचों को साफ किया और ये चर्च तैयार की, और आखिर में उनके मरने के बाद तमाम खोपड़ियों में इन दोनों को भी शामिल कर दिया गया जो इन सब के फ़ख्र से सदारत करते हैं और अब इसे अपनी आखिरी आरामगाह कहते हैं। पोलैंड सरकारी तौर पर जमहूरिया पोलैंड वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। इसे 16 इंतज़ामी सूबों में तकसीम किया जाता है। इसका रकबा 312,696 मुरबा किलोमीटर है। पोलैंड की आबादी 38 मिलियन है और ये यूरोपीय यूनियन का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला रुकन मुल्क है। वर्सा मुल्क का दारुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और बिजनेस हब है। पोलैंड के झंडे का रंग सुर्ख और सफ़ेद है और पोलैंड के कौमी तराने का नाम है पोलैंड अभी गुम नहीं हो। सरकारी जुबान पोलिश है। मुल्क में रहने वाले 98% लोग पोलिश हैं और 2% का ताल्लुक दीगर कौमियतों से है। मजहबी तौर पर 88% लोगों का ताल्लुक ईसाइयत से है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। सदर एंडरजे टूडा हैं। प्राइम मिनिस्टर मैथ्यूस मोरावेकी हैं। मुल्क का रकबा 312,696 मुरबा किलोमीटर है जो कि दुनिया में 69वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की कुल आबादी 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक 38,36,118 नफूस पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया में 38वें नंबर पर शुमार की जाती है। GDP 2023 के तखमीने के मुताबिक 748.8 बिलियन $ है जो कि दुनिया में 22वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पर कैपिटा इनकम या फी का सामदनी
$19,912 है, जो कि 50वें नंबर पर शुमार की जाती है। करेंसी ज़लोटी है। एक पोलिश ज़लोटी पाकिस्तानी रुपीस में 68 रुपये बनते हैं। ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है और कॉलिंग कोड +4A या +48 है। पोलैंड की सरहदें शुमाल मशरक में लिथुएनिया और रूस, मशरक में बेलारूस और यूक्रेन, जनूब में स्लोवाकिया और जमहूरियत चेक और मगरब में जर्मनी से मिलती हैं। ये डेनमार्क और स्वीडन के साथ भी समुद्री हदूद के ज़रिए वाबस्ता है। पोलैंड दुनिया के सबसे बड़े किलों का घर है। मेलबॉर्न में ट्यूटोनिक का किला ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा किला है। असल में 13वीं सदी में ट्यूटोनिक किले और किले के तौर पर बनाया गया। आजकल ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या आप कभी नमक की कान के अंदर गए हैं? जब आप वेलिस्का सॉल्ट माइन पोलैंड जाएंगे, तो हम आपको 800 साल पुरानी, जो दुनिया की कदीम तरीन कानों में से एक है, देखने के लिए ज़रूर ले जाएंगे। ये पोलैंड के अंदर ग्राउंड सॉल्ट कैथीड्रल के तौर पर मशहूर है। जब आप ज़मीन से 135 मीटर या 440 फुट नीचे जाएंगे, तो आपको चैम्बर्स, मुजस्मे, नमक के फानों और रॉक सॉल्ट से तराशी हुई एक पूरी कैथीड्रल नज़र आएगी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 13वीं सदी से लेकर 2007 तक मुसलसल नमक पैदा करने वाली ये कान और इसके मुनफरिद नक्शो निगार देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएं। मादून होने के ख़तरे से दो चार यूरोपी बाइसन या वाइजनट यूरोप का सबसे भारी ज़मीनी जानवर है, जिसका वज़न औसतन 600 किलोग्राम से ज़्यादा है। वो पोलैंड के 150,000 हेक्टर पर घूमते हुए पैलोविजा प्रीमेवेल फॉरेस्ट में देखे जा सकते हैं। ये यूरोप का आखिरी कदीम जंगल है, जो हज़ारों साल पहले पूरे बरेआज़म पर फैला हुआ था। पोलैंड के बारे में हमारे पसंदीदा तफरीही हकायक में एक बात ये भी शामिल है कि यहाँ दुनिया का पहला उल्टा घर मौजूद है। चोटी से बना हुआ लकड़ी का घर जंगल में गलत तरीके से बनाया गया था। ऐसा महसूस होता है कि जैसे परियों की कहानी का कोई घर है। टूरिस्ट को इसकी उल्टी खिड़कियों से घर में दाखिल होना पड़ता है और ये एक फर्निश्ड घर है और इसके अंदरूनी हिस्से में आप टहल सकते हैं। जो 1970 की दिहाई के दौरान कम्युनिस्ट पोलैंड की याद दिलाता है, ये इस बात की अलामत है कि कम्युनिस्ट हुक्मरानों ने पोलैंड में ज़िंदगी को उल्टा करके रख दिया। 2007 में इसकी निकाब कुशाई के बाद सैकड़ों मुतजस्सिस टूरिस्ट यहाँ आए हैं और जिन्होंने इसको देखा है। वॉर्सो का सकाफती और साइंस का मशहूर महल एक वसी और रईस इमारत है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा कमरों को अजीमशान हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, खेलों के मैदान, ऑडिटोरियम, बार, फिल्म थिएटर और दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ बिल्लियाँ काम करने आती हैं? हो सकता है कि वे सरकारी पेरोल पर ना हो, लेकिन निचली मंजिल पर चूहों के हमले का मुकाबला करने के लिए रोज़ाना दर्जनों बिल्लियाँ इमारत में घूमती हैं। लेकिन बिल्लियाँ और चूहा सिर्फ यहाँ रहने वाले जानवर नहीं हैं, बल्कि छठी मंजिल पर जिंदा शहद की मक्खियों का भी घर है। पोलिश लोग यूरोप में सबसे कम उम्र में शादी करते हैं। पोलैंड के बारे में सबसे दिलचस्प हकायक में एक बात ये भी शामिल है कि लोग औसतन 25 से 27 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क से कम है। लिहाजा अगर आप 20 की दिहाई के वस्त में किसी ऐसे पोलिश से दोस्ती करना चाहते हैं जो मुस्तहकम ताल्लुकात में है, तो पोलैंड की शादी में शिरकत की तैयारी ज़रूर करें। वॉर्सो का ओल्ड टाउन, जो आज भी आप देख सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर असली नहीं है।
दूसरी जंगे अजीम के दौरान 1944 में नाजी जर्मनी ने ओरसा पर बहुत ज़्यादा बमबारी की और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन पोलिश लोगों ने बर्नार्ड बेलोटो की तफसीली पेंटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए शहर को दोबारा तामीर किया और ओरसा के ओल्ड टाउन में आज भी आप ऐसी इमारतें देख सकते हैं जो आपको 14वीं सदी की दिखाई देती हैं, लेकिन ये हैरान कन तौर पर पोलिश लोगों ने बाद में तामीर की हैं। पोलिश लोगों से मिलते जुलते वक्त अपने जूते उतारने का रवाज है। ये एहतराम का इजहार है, जैसा कि जापान में भी आपने मुशाहिदा किया था। मिसाल के तौर पर मेहमान को एक जोड़ा चप्पल पेश की जाती है ताकि बदले में वो नंगे पाँव घर में ना घूमें। जब पोलैंड में दोस्तों से मिलने जाएं और मेज़बान आपको चप्पल पेश करें तो रवायत को बरकरार रखते हुए इसे खुशदिली से कबूल कीजिए। जी हाँ, ये साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि पोलैंड का दी क्रॉकेट फॉरेस्ट है, जिसमें 400 दरख्तों का एक रुख पुरसरार तौर पर यकसा तौर पर झुका हुआ है। ज़मीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर मंडलाते हुए दरख्त ड्रामाई तौर पर आसमान की तरफ एक तेज़ मोड़ लेते हैं। जब वो शक्लों में गोल हो जाते हैं तो जे की तरह नज़र आते हैं। इन पाइंस की अजीबोगरीब शक्ल का कोई कतई जवाब नहीं है। 2023 में अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट वीज़ा लेना चाहें तो आपको कुछ स्किल ज़रूर आनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्किल्स जिस तरह वेल्डर, एल्युमिनियम फिक्सर, स्टील फिक्सर वगैरह, ऐसे लोगों को वर्क परमिट वीज़ा जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा फार्मर्स जो हैं उनको भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पोलैंड में फल तोड़ने और सब्जियां तोड़ने का जो काम है वो आसानी से जो है वो अवेलेबल है। और अब एक पोलिश शादी इंजॉय कीजिए। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। हम्द उस खुदा के लिए है जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों की फना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है जो इसे याद करे उसे भूलता नहीं, जो शुक्र करे उसे कमी आने नहीं देता, पुकारने वालों को मायूस नहीं करता और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद मुनकता नहीं करता। ऐ अल्लाह पाक, रोज़ क़यामत जब अहले इताअत पर तेरी इनायात हों तो मुझे भी हिस्सा दे कि तू साहिबे इक्तदार है और हिकमत वाला है। आमीन।